सब्सक्राइब करें सेहत जिंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा लाए हैं जो एक ही हफ्ते में शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। ये नुस्खा एक कहवा है जो आप घर में बआसानी बना सकते हैं। ये बहुत ही असरदार और आजमूदा नुस्खा है। हाई शुगर के मरीजों ने जब इस नुस्खे को इस्तेमाल किया तो उनका शुगर लेवल तेज़ी से कंट्रोल हो गया। अगर आपके घर में भी कोई शुगर का मरीज़ हो तो उनको ये नुस्खा तैयार करके पिलाएं, इंशाल्लाह उनको अफाका होगा। इस नुस्खे के अज्जा नोट कर लें: खुश्क पुदीना, बड़ी सब्ज़ इलायची, सब्ज़ पत्ती, दारचीनी, सौंफ, लेमन ग्रास और अजवाइन। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें माँ सिवाय दारचीनी के आपने एक एक खाने की चम्मच लेनी है। अलबत्ता दारचीनी आपने चौथाई चाय की चम्मच लेनी है, 1/4 यानी चौथाई चाय की चम्मच। फिर इन तमाम अज्जा को पाउडर करके आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस्तेमाल का तरीका: 2 कप पानी उबलने के लिए रख दें। जब ये पानी उबल कर 1 कप रह जाए तो 1/2 खाने का चम्मच ये पाउडर इस पानी में शामिल करके 2 मिनट तक के लिए उबालें और फिर उतार लें। इस मशरूब को छान लें और ठंडा होने पर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त रात खाने के 1/2 घंटे बाद का है। इंशाल्लाह सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, इस मशरूब का इस्तेमाल करें और कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।